हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफ एस प्लेटफॉर्म. वंस अगेन आई एम हियर विद आवर 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज. ओके, तो लास्ट जो क्वेश्चंस अपलोड हुए थे, आई एम गोइंग टू टेल द आंसर्स ऑफ ऑल ऑफ 5 क्वेश्चंस. ओके, सॉल्यूशंस आई विल टेल. अगेन आई रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट यू ट्राई दैट दोज क्वेश्चंस एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन हियर. ओके, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम. ओके, so I will start with the first question. Okay, so this question is from the photoelectric effect. Okay, the equation which forms the basis of photoelectric effect. So if I talk about the photoelectric effect, we know that the incident frequency or incident energy gives us the work function phi plus your kinetic energy. Okay, this is the basic equation that we have a metal plate, some h nu radiations are coming onto this plate. Okay, there will be some work function, or this work function is nothing but the minimum amount of energy required for the ejection of electron. Okay, h nu naught, this will be the threshold frequency. This will be the threshold frequency. Okay, so I can write h nu is equals to h nu naught my plus your kinetic energy is half mv square. Now they have provided w as the work function, so I will write this as w plus half mv square. So we can check half mv square, this energy. So this is wrong because half mv square is not provided. Half mv square, this kinetic energy will be actually h nu minus w. So this equation is exactly same. This is h nu plus w, this will be wrong. H nu is equals to this plus this hona chahiye tha, so this is also wrong. So the b option is the correct option. Okay, let's move to the next question. The maximum velocity of photoelectron emitted from the surface is V. Okay, so they have given the maximum velocity V max, which is V. The light of intensity I falls on the metal surface if the incident intensity has been increased to thrice of the initial value 3I. Okay, then the maximum velocity of ejected photoelectron. So what they are asking to you is that initial intensity has been increased to 3I. Okay, they have tripled the intensity. Now the question is, what question they are asking is V max was V. This is the first initial value. So what will be V final? Okay, यहाँ से यहाँ गए और आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे अफेक्ट आएगा कि नहीं. तो यू शुड नो दैट इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, आपकी जो बताइए वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में. ये टर्म आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, विच इज हाफ एम v स्क्वेयर. यही लिखते हैं हम कि आपकी काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम वी स्क्वेयर मैक्सिमम वैल्यू, इट इज़ नथिंग बट एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन. ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग लाइट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ओके, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस काइनेटिक एनर्जी depends upon frequency of incoming light. Okay, and it doesn't depend on intensity of light. तो इंटेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करेगा,
ओनली फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होगी, इंटेंसिटी डिपेंडेंट ये नहीं होगी. इफ दिस इज नॉट इंटेंसिटी डिपेंडेंट देन योर मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी रिमेनिंग अनचेंज्ड, द वैल्यू विल बी अगेन वी ओनली. ओके, इट विल रिमेन अनचेंज्ड. सो दिस वॉज द सॉल्यूशन. वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वंस अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन इज दिस. द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज आस्क्ड यू अबाउट विच प्लॉट, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. ओके, दे आर आस्किंग यू अबाउट द प्लॉट. ओके, स्लोप ऑफ द प्लॉट. तो वॉट इज द स्लोप? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वॉट इज द स्लोप. ओके, सो सी दे आर आस्किंग स्लोप विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल दैट एमिट्स द फोटो इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स द मेटल सरफेस जहाँ से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. क्या स्लोप की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगी? डिपेंड ऑन बोथ इंटेंसिटी एंड द नेचर ऑफ मेटल. क्या वो आपकी इंटेंसिटी पे और मेटल दोनों की नेचर पे डिपेंड करेगी? विल बी सेम फॉर सभी मेटल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. तो हमें देखना है विच ऑप्शन इज करेक्ट. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का कर्व कैसा आएगा समझें एक बार. देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. उसने आपसे ये कर्व पूछा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में. तो मैं क्या करूँगी, ये वाई एक्सिस पे इज इक्वल्स टू प्लस एच न्यू. सो वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस एम एक्स, और एम एक्स माइनस सी हम लिख सकते हैं. तो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, स्लोप आपकी क्या हो जाएगी? द स्लोप इज नथिंग बट दी एच, एंड एच तो आपका क्या है? तो कर्व कैसा आएगा? नेगेटिव इंटरसेप्ट काट रहा है वाई एक्सिस पे, तो कुछ ऐसा कर्व आपका आएगा. स्लोप आपकी होगी एम विच इज एच, एंड एच आपका क्या है भाई? ये एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है. अगर ये प्लैंक्स कांस्टेंट है तो ये तो अनचेंज रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है. तो स्लो, और ये वैल्यू आपकी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. तो दिस स्लोप रिमेंस सेम फिर फॉर ऑल मेटल्स एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपको स्लोप जो निकल के आएगा ना, वो क्या निकल के आएगा? एम. स्लोप आपका क्या है? एच, ठीक है. तो ये क्वेश्चन था आपका, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखें. अगला क्वेश्चन है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, गुड वन क्वेश्चन. द हेक्सेन एंड हेप्टेन आर कंप्लीटली मिसिबल. ओके, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन इज 0.198 एंड 0.06 atm रिस्पेक्टिवली. द मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन इन द वेपर फेज फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 मोलार हेक्सेन एंड 6 मोलार हेप्टेन. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज अ गुड वन क्वेश्चन एंड आई थिंक ये आपका एक PYQ है. तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं. ओके, विल टेक अ ब्लैंक पेज एंड इसको सॉल्व करेंगे. क्या बोला है ध्यान से पढ़ो. तो ये जो है 25 डिग्री पे प्योर वेपर प्रेशर है, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, ठीक है. रॉल्ट लॉ से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. पी ए नॉट की वैल्यू गिवन है 0.198, पी बी नॉट की वैल्यू गिवन है 0.06 atm, ठीक है. 4 मोलार एंड 6 मोलार हेप्टेन आपको गिवन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन में. 4 मोलार का मतलब क्या है? 4 मोल्स इन 100 इन 1 लीटर. ओके, और इधर का मतलब क्या है? 6 मोल्स इन इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो गया, सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 मोलार हेक्सेन एंड 6 मोलार हेप्टेन। तो आपका, आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, देखो इनसे इनसे आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ से आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन, आई एम टेलिंग यू द हिंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आप यहाँ से निकालोगे एक्स ए एंड एक्स बी। आपके पास फॉर्मूला क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब ये जो एक्स ए एक्स बी आपके हैं, ये हैं मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड फेज। जबकि उसने आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन इन द सॉल्यूशन फेज, मतलब उसने आपसे वाई ए एंड वाई बी आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, पहले टोटल प्रेशर आपको निकालना पड़ेगा पी एस, और फिर हम क्या लिखते हैं कि आपका जो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन है वो होता है वाई ए इंटू पी ए, और दूसरा होता है वाई बी इंटू पी बी, पार्शल प्रेशर ऑफ बी। ये किस में आएगा, वेपर फेज में, ये है वेपर फेज का फॉर्मूला। तो आप लोगों को सॉल्व करेंगे ये चीज़ और फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ए या सी दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लॉ विच रिलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस टू इट्स प्रेशर इज कॉल्ड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉरी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, किससे रिलेटेड होता है भाई, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ आपको बताता है प्रेशर और गैस की सॉल्युबिलिटी, ठीक है। हेनरी लॉ आपको बताता है पी एक्स इज इक्वल्स टू के एच, पी इज इक्वल्स टू के एच एक्स, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आपकी होगी, ठीक। चलिए तो ये 5 क्वेश्चन थे। अगेन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट और एग्ज़ाम IIT जैम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो 26 अगस्त से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो हैं, वी यू कैन ज्वाइन अस ऑन इन लाइव प्लेटफॉर्म, DPPs लाइव क्लासेस, ठीक है, आपको मिलने वाले हैं वहाँ पे, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। तो इफ़ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर्स एग्ज़ाम, यू कैन ज्वाइन अस, ओके। गो टू द वेबसाइट, लॉग इन करें, वहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, और एक बार ट्राई करें कि पैटर्न क्या है, ये सब वहाँ पे देखें और हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।